वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको बताया जीपीएफ 2004 के संबंध में काफ़ी जो कन्फ्यूजन चल रहा है, और पहले आदेश आया था कि जीपीएफ की कटौती जो 1/1/2004 के बाद में जो कार्मिक लगे हैं उनकी पे आईडी 215 में होनी थी, लेकिन कल ही आदेश आया था कि इनका जो भी जीपीएफ की जो कटौती है वो पे आईडी 200 मतलब जीपीएफ 204 में पे आईडी 294 में होनी है। तो अब इस संबंध में काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, बार बार बिल को चेक कर रहे हैं और इसके संबंध में जो अपडेट है उसके बारे में डिमांड कर रहे हैं और कमेंट करके पूछ रहे हैं कि इसकी क्या अपडेट है। तो मैं आपको बता दूं कि पे मैनेजर की तरफ से अभी कोई विशेष अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ जानकारी जो सामने आ रही है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे पहले तो आपको ये देखना है, जैसे मैं आपको बता दूँ कि आपको अब इसमें मैं आपको पे मैनेजर पे जाकर के भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैंने एक कमेंट किया है, मैं आप पहले वो बता दूं कि मैंने क्या कमेंट किया है। मैं थोड़ा सा आपको इस कमेंट को जूम करके आपको बता देता हूं कि जैसे मैंने एक वीडियो में ये कमेंट किया था कि जो बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड स्टेप से पुनः सैलरी बिल कन्फर्मेशन टैब में शो हो रहे हैं उनकी ई साइन रिपोर्ट चेक करते रहे हैं। अब जैसे अधिकांश जो बिल है कल या परसों तक ट्रेजरी फॉरवर्ड में बता रहे थे, आज वो अगर चेक करेंगे तो उनका जो स्टेटस है वो डीडीओ फॉरवर्ड हो गया है, ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं बता रहा है। तो आपको एक तो ये करना है कि उनको चेक करना है कि बिल व्यू स्टेटस पर जाकर के बिल कहाँ है वो चेक करना है। वो अब ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, इसका मतलब बिल है वो रिवर्ट हुए हैं। अब उनमें भी आपको ये देखना है कि यदि बिल पर और जो ई साइन डेट है वो अगर पुरानी वाली आ रही है, इसका मतलब आपके अभी मतलब ई साइन होने बाकी है, यानी कि अभी अपडेट होने बाकी है, अतः बिल को रिजेक्ट ना करें और इंतजार करें। परंतु जिन बिलों की रिपोर्ट्स में न्यू बिल और ई साइन डेट आ गई है, अब मैं आपको उसको प्रैक्टिकल बता दूंगा कि कैसे आपको चेक करना है क्या करना है। अगर आपको नई डेट आ रही है यानी 25 तारीख के बाद की 26-27 की जो डेट आ रही है, अगर वो आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके बिल पे ई रिसाइन जो री ई साइन है वो री हो गए, यानी दोबारा हो गए हैं। और हालांकि रेफरेंस नंबर जो है पहले कह रहे हैं और उसमें जीपीएफ 2004 की कटौती है वो डेढ़ टोकरी के डबल शो हो रही होगी, यानी अगर आपके 2700 की कटौती है तो आपको 5400 होगी, और जो भी जिस स्लैब के हिसाब से जो कटौती होनी थी वो डबल शो हो रही, उसको आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर उनमें कोई कमी है तो आपको बिल्कुल रिवर्ट करना है, वरना सीधे आपको रिवर्ट नहीं करना है, थोड़ा इंतजार करना है। और रेफरेंस बिल है वो पहले वाले रहेंगे, पर बिल डेट और जो ई साइन डेट है वो चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब कि आपके कटौती इसमें शो हो गई जीपीएफ 2004 में पे आईडी 294 है वो। अब बिना वजह से आप बिल रिजेक्ट नहीं करें, और रिपोर्ट्स पे ई साइन है वो धीरे धीरे हो रहे हैं, नहीं दोबारा जो री ई साइन हो रहे हैं वो धीरे धीरे हो रहे हैं, अतः धैर्य बनाए रखें। और प्री पे मैनेजर के बारे में अभी कोई विशेष अपडेट नहीं है, तो ये जो थी अपडेट इसके बारे में आपको इस पे जाकर के आपको पे जो पे मैनेजर पे जाकर बता दूं कि जैसे आपको यहाँ बिल चेक करना है, जैसे यहाँ बिल स्टेटस व्यू बिल स्टेटस में जाकर के आपको यहाँ मंथ सेलेक्ट करके आपको यहाँ बिल का ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको सैलरी सेलेक्ट करना है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि सारे बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड जो बता रहे थे पहले, अब वो डीडीओ फॉरवर्ड तक आ गए हैं, यानी ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब बिल रिवर्ट हो चुके हैं। अब आपको एक एक बिल की रिपोर्ट्स देखनी है, तो सैलरी बिल में जाकर के अब इसमें दो तरीके हैं कि एक तो आप जैसे यहाँ सैलरी बिल प्रिपरेशन में जाकर के यहाँ जाकर के आप बिल सैलरी बिल कन्फर्मेशन में जाकर आप देखेंगे तो सारे बिल है वो यहाँ ई साइन रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, ये भी तरीका है, लेकिन इसमें जिप फाइल में होगी। तो मैं जल्दी के लिए आपको ताकि तुरंत आपको पता चल जाए और समय भी नहीं लगे, तो मैं आपको सीधा सैलरी रिपोर्ट में जाकर के आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको यहाँ मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद में किसी ग्रुप को सेलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ से जो रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, तो मैंने अभी जैसे रिपोर्ट डाउनलोड की है तो मैं आपको पहले वही बता देता हूँ। जैसे एक मैंने ये रिपोर्ट डाउनलोड की थी, इसमें अभी तारीख ये आ रही है 17/5 की, और 17/5/2022 की जो तारीख आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि इस बिल पे अभी तक कोई ना तो जीपीएफ की कटौती 2004 की शो हो रही है ना पुरानी शो हो रही है, इसका मतलब ये बिल है अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, यानी दोबारा री साइन नहीं हुआ है, तो आपको वेट करना है। अब जैसे दूसरा जो बिल मैंने अभी डाउनलोड किया था, इसमें भी 17 तारीख आ रही है, इसमें भी जीपीएफ की कोई कटौती शो नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ये तीसरा बिल था जिसकी डेट है ये 28/5 आ रही है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ इसकी डेट है वो 28/5 आ रही है, यानी ये बिल ई री साइन दोबारा हो गया है। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जीपीएफ की कटौती 2004 की जो कटौती है वो 9600 है, यानी जो आपको ये जो स्लैब थी, मैं आपको बता दूँ जैसे जीपीएफ की जो स्लैब थी उसके अनुसार जैसे 4800 है, अगर 72,000 से लेकर के 80,000 तक जिसकी है, तो 4800 जिसका जो जीपीएफ कटना था उनकी डबल होकर के 4896 यानी 9600 रुपये है। इसी तरह से जैसे आरजीएसएस इनकी जीपीएफ की कटौती 4200 है,
जबकि इनका बेसिक 75,000 पे है, तो आप देखेंगे 75,000 पे अगर बेसिक है तो इनकी कटौती जीपीएफ की 4200 हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से ये पुराने कार्मिक है, तो इनके पुरानी वो जो स्लैब वो चल रही है, आपको सिर्फ जो ये क्योंकि ये जीपीएफ है, अब आपको यही गौर करना है और ध्यान भी ये रखना है कि जीपीएफ 2004 आपको चेक करना है, जीपीएफ की जो कटौती है वो पहले जैसे हो रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है और वो आपको देखना ही नहीं है। अब जैसे यहाँ जीपीएफ 2004 ये कार्मिक है तो इनके यहाँ 5700 इसकी शो हो रही है, और जब इनका बेसिक देखेंगे तो 49,900 है। तो अब जैसे इस स्लैब में आप देखेंगे तो 49,900 का अमल हो गया, ये चौथी जो लाइन है उसमें है 38,501 से लेकर 51,000 तक, तो इनको 2850 रुपये इनकी कटौती होनी थी, तो 28,256 और 50,100 रुपये नहीं 5700 रुपये इनकी जो कटौती है, तो ये 5700 रुपये हो रही है। इसका मतलब इनका बिल है वो सही है, आपको इस बिल में कुछ नहीं करना है, ये बिल अपने आप ऑटो ट्रेजरी फ्रॉड हो जाएगा। अब आपको जो दो बिल मैंने अभी बताए थे जो अभी पुरानी डेट के आ रहे हैं, तो आपको वो चेक करने हैं और समय समय पर आप देखते रहें, जब भी ये बिल धीरे धीरे ये रीसाइन हो रहे हैं तो आपको इंतजार करना है और धैर्य ही रखना है। इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड से डीडीओ फॉरवर्ड हो गए हैं, अब ट्रेजरी से रिवर्ट हो गए लेकिन डीडीओ फॉरवर्ड हो गए हैं, तो अभी भी इनकी जो पेड डिटेल है वो लॉक है, यानी अब यहाँ जा करके आप पेड डिटेल खोलेंगे तो इनकी पेड डिटेल नहीं खुलेगी, तो आप इसको चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसका यही तरीका है कि आप रिपोर्ट्स में जा करके एक तो यहाँ से कर सकते हैं, या बिल प्रोसेसिंग में जा करके आप सैलरी प्रिपरेशन में जा करके आपको यहाँ बिल कंफर्मेशन सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाकर के आपको ये रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और यहाँ आकर के आपको देखना है कि वास्तव में इनके जो जीपीएफ 2004 की कटौती है वो अपडेट हुई या नहीं हुई। और ये जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अप्रैल माह की कटौती है जीपीएफ 2004 की, वो ऑटो जुड़ करके आ रही है, तो आपको चेक करना है कि 2 महीने की कटौती है वो शो हो रही है नहीं हो रही है। तो ये कुछ विशेष अपडेट थी, तो मेरा अभी भी यही आपको कहना है कि थोड़ा सा इंतजार करें, बिल को रिवर्ट करने में या रिजेक्ट करने में जल्दबाजी नहीं करें, और धीरे धीरे रीसाइन हो रहे हैं। जैसे अभी इस बिल की बात करें, इस वीडियो के अंदर में कुछ बिलों पे रीसाइन हो गए हैं लेकिन कुछ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, शाम तक इंतजार करें, हो सकता है ये धीरे धीरे हो जाए, तो आप जब भी थोड़ा सा समय मिले 2-4 घंटे के अंतराल में आप चेक कर सकते हैं, तो जब भी अपडेट होंगी आप उसको चेक करें। तो हालांकि सभी लोग इससे परेशान हो रहे हैं लेकिन ये पे मैनेजर पे थोड़ा सा अपडेशन के कारण ये सारी समस्या आ रही है, तो अब इसका अपने पास कोई समाधान नहीं है, ये समाधान है कि आप समय समय पर इसको देखते रहें, और इसी तरह की अपडेट के लिए मैं जब भी कोई विशेष अपडेट होगी तो मैं आपको वीडियो बना करके सूचना दे दूंगा। अगर इस संबंध में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आप किसी भी समय पूछ सकते हैं, यथासंभव मैं कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अगर आप बार बार रिपोर्ट्स देख करके परेशान हो गए हैं तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिससे आपको पता चल सके कि बिल रीसाइन हुआ है या नहीं हुआ है या रीएलोकेट हुआ है या नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ आपको बिल सैलरी रिपोर्ट्स में जानने के बाद में मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद में यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करना है। अब जैसे जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है उस ग्रुप में यहाँ बिल नंबर पर आपको यहाँ क्लिक करना है, तो यहाँ आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे। अब रेफरेंस नंबर पे आप देखेंगे यहाँ रेफरेंस नंबर के आगे डेट दी हुई है 17/5/2022, इसका मतलब ये बिल पुराना है। अब ये बिल इसका मतलब ये रीसाइन जो दोबारा नहीं हुआ है। अब आपको जैसे दूसरा कोई बिल है तो वो आपको अगर देखना है, तो आप जैसे मैं यहाँ ये बिल देख रहा हूँ, यहाँ जैसे आप देखेंगे तो इस बिल में आपके 28/5/2022 डेट आ गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि 28 तारीख का मतलब ये बिल प्रोसेस हो चुका है, नया बन चुका है, तो इसमें जीपीएफ की कटौती आपके सही आएगी, वो एक बार आप चेक कर दें जीपीएफ 2004 की। और एक और मैं आपको उदाहरण के रूप में बता दूं कि अगर जैसे मान लो ये बिल है, और जैसे ये बिल है यहाँ भी ये 17/5 का बता रहे, इसका मतलब ये बिल भी अपडेट नहीं हुआ है। तो इस यहाँ एक और मैं आपको बता दूं, जैसे ये बिल है ये भी अभी 17/5 का बता रहा है। तो ये शॉर्ट तरीका है कि आपको प्रत्येक बिल को आपको चेक करना है, और यहाँ चेक करने के बाद आप ग्रुप से ही पता कर सकते हैं, बिल डेट के द्वारा ही पता कर सकते हैं कि आपकी बिल नया अलोकेट हुआ है नहीं हुआ। मैं आपको दोबारा बता दूँ, जैसे ये बिल है अब यहाँ इसमें 28 तारीख बता रहा है, इसका मतलब ये बिल री मतलब दोबारा ईसाइन हुआ है। तो ये शॉर्टकट तरीका था, आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी जिप फाइल है उसको डाउनलोड करने की भी आवश्यकता नहीं है, रिपोर्ट्स भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सीधे शॉर्टकट में देखना चाहें तो आप जो भी बिल सैलरी बिल रिपोर्ट्स में जा करके आप बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको बिल की डेट मिल जाएगी। अगर वो डेट 26 मई के बाद की है तो इसका मतलब है कि वो बिल आपके प्रोसेस हो चुका है,
उसको आपको चेक करना है, अन्यथा आपको थोड़ी देर बाद में चेक करना है। और अगर कोई बिल एलोकेट एक बार भी नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया, मैंने लिख के भी मैसेज कर दिया है कि अभी आपको वेट करना है और 1 तारीख के बाद ही आप अदर सैलरी बिल में डालें, क्योंकि तब तक हो सकता है 30 तारीख को या अंतिम तारीख लास्ट 31 तारीख को ही बिल एलोकेट हो जाए, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो ये थी जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।